तो 60 लीटर, 12 पच्चीस 60, 12 दूना 24 मिनट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 11, कुछ व्यक्तियों के एक कार्य निश्चित समय में करने का ठेका लिया, कुछ व्यक्तियों ने एक कार्य निश्चित समय में करने का ठेका लिया, ठेका दिया जाता है, काम शुरू होने के 5 दिन बाद 1/5 भाग लोग काम छोड़कर चले गए, बचे लोग ने शेष काम को उतने ही दिन में पूरा किया जितने समय प्रारंभ में तय हुआ था। तो प्रारंभ में तय हुआ था तो प्रारंभ में काम के लिए कितने दिन निर्धारित किया गया था, यानी कि शुरू में जितना समय निश्चित किया गया था उतना दिन, जब 1/5 भाग लोग चले गए फिर उतना ही दिन लग गया। हम लोग ऐसे समझेंगे, माना कि पूरा काम एक दिन में निश्चित किया गया था कि होगा, एक दिन में हो जाता पूरा काम, अगर शुरू में जितने व्यक्ति लगे थे उनसे एक दिन में काम निश्चित किया गया था कि हो जाएगा, एक दिन काम पूरा होता एक दिन में। हम लोग ऐसे सोचेंगे, 5 दिन बाद काम का 1/5 भाग लोग छोड़कर चले जाते हैं, 5 दिन बाद जो भी लोग थे उसका 1/5 भाग काम छोड़कर चले जाते हैं, यानी कि हुआ ये कि 5 आदमी होगा तो एक आदमी छोड़कर चला गया 5 दिन बाद, यानी कि अगर एक दिन में काम होता तो एक माइनस 5 दिन का काम अभी बचा था, पूरा आदमी मान लेते हैं 5, 5 लोगों का एक माइनस 5 दिन का काम अभी बचा था, क्योंकि शुरू में 5 लोग मानते हैं लगे हुए थे, 5 दिन काम हो गया, यानी कि एक माइनस 5 दिन का काम अभी भी बचा हुआ है 5 लोगों का। लेकिन होता यह है कि जब 1/5 लोग चले जाते हैं, यानी 5 माने हैं शुरू में, तो 1/5 गए तो बचे होंगे 4, ये 4 व्यक्ति को उतना ही दिन और लग जाता है जितना कि शुरू में निश्चित किया गया था, मतलब कि शुरू में निश्चित किया गया था एक दिन, यानी 4 लोगों को एक दिन लग जाता है काम करने में, जो शेष काम बचा था वो, यहाँ पर हम शेष काम लिखते हैं हमेशा, देखे होंगे क्लास में भी, इसको सोल्व करेंगे तो 5x-25 बराबर 4x है, यानी कि x बराबर 25, यही आंसर है ये, यानी 25 दिन में काम करने का निश्चय किया गया था कुछ लोगों के द्वारा। एक और आसान क्वेश्चन है आपके सामने, क्वेश्चन है कि ए बी की तुलना में 16.2/3% समय में और 11.1/9% काम करता है, पहले इसको समझ लेंगे। 16.2/3% का मतलब होगा 1/6% 1/6 समय, और 11.1/9% का मतलब होगा 1/9 काम। मतलब है कि बी जितना काम करता है, जितना समय लेता है उसका ए 1/6 समय लेता है, और बी जितना काम करता है, काम नीचे रखते हैं, उसका 1/9 भाग काम करता है ए, यानी कि ये चलता बराबर है। यहाँ से हमको ए और बी का अनुपात मिल जाएगा, ए लिख लेंगे इसको ढंग से, ए गुने 9/6 बराबर बी, 3 × 9 3 × 6, यानी कि ए और बी का अनुपात मिलेगा हमको, ए अनुपात बी मिलेगा 2:3। आगे कहता है, अगला लाइन कहता है, बी अकेले उस काम को के 3/4 भाग को 44 दिन में करता है, तो दोनों मिलकर अपनी आधी क्षमता से आधा काम कितने दिन में करेगा। एक एक शब्द इंपॉर्टेंट है इसके, क्योंकि यही सब शब्द परेशान करता होगा एग्जाम में, दबाव में समझ में नहीं आता होगा कि आधी क्षमता आधा काम। देखेंगे यहाँ पे, बी अपनी 3/4 भाग, बी उस काम के 3/4 भाग, यानी कि मान लेते हैं कि पूरा काम अगर 4 था तो बी तीन काम को 44 दिन में करता है, और दोनों तो पूछता है कि ये जो काम, जो बी तीन काम को 44 दिन में करता है, इसी तरह से अगर हमें दोनों से करवाना होगा तो दोनों मिलकर अपनी आधी क्षमता से आधा काम, अपनी आधी क्षमता से, यानी कि ए और बी अपनी आधी क्षमता से, आधी क्षमता से, क्षमता यानी कि अपना हाफ से, और ये आधा बाहर में लिख सकते हैं हम, आधी क्षमता से आधा काम, यानी कि 4 काम था तो 2 काम कितने दिन में करेगा, यही पूछ रहा है। समय लिख लेंगे, एक कैलकुलेट कर लेंगे, यहाँ से काटेंगे, पहले तो क्षमता पुट कर देंगे, ए का 2, बी का 3, 3 × 2 = 5 है, और ये बी का 3 है, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, ये आप कैलकुलेशन कर लेंगे,
तीन दो पाँच, दो दो ना चार, यानी टू टू जा फोर, चवालीस गुना चार, चर्चों का सोलह, चर्चों का सोलह एक सत्रह, 176, और इधर 5x, x बराबर निकल आएगा आपका 35.1/5। क्वेश्चन नंबर 13, एक किसी काम को 10 घंटे में सॉरी एक किसी टंकी को 10 घंटे में भरता है, जबकि बी उसी टंकी को 25 घंटे में खाली कर सकता है। यदि ए और बी को बारी बारी से दो दो घंटों के लिए खोला जाता है, शुरुआत ए से की जाती है, तो पूरी टंकी को भरने में कितने घंटे लगेंगे। सवाल ये था, 10 घंटा में भरता है ए और 25 घंटे में खाली करता है बी। 10 घंटा में भरता है जबकि बी 25 घंटे में खाली करता है, खाली करने वाला नल है। एलसीएम 50 हुआ, 10 पचे 50 5 और 25 दुना 50 2, यानी कि 5 भरेगा ये, 2 खाली करेगा। लेकिन यहाँ पर ये दे रखा है कि ए और बी को बारी बारी से दो दो घंटों के लिए खोला जाता है, यानी पहले ए को 2 घंटा खोलेंगे, उसके बाद फिर बी को 2 घंटा खोलेंगे। तो जब ए को 2 घंटा खोलेंगे तो 5 दुना 10 भर आएगा, जबकि अगले टर्न में बी को खोलेंगे तो 2 दुना 4 चर खाली होगा, यानी कि अल्टीमेटली 2 घंटा और 2 घंटा 4 घंटा में 6 लीटर ही भरा पाएगा, 6 लीटर भरा पाएगा 4 घंटा में। हम सोच सकते हैं कि 6 लीटर भराएगा 4 घंटा में। अब सबसे पहला काम ये करना है कि जो ये भरने वाला नल था या जितना भराता लास्ट में, उसको हम लोग इसमें से घटा लेंगे। हम लोग सबसे पहले सोचेंगे 50 में से ये 5 जो भरा सकता है, चूँकि ऐसा होता है कि शायद ये 5 लास्ट में बचे भरने के लिए और एक ही घंटा में भरा जाए, इसीलिए हम क्या करते हैं कि 5 को पहले घटाते हैं 50 में से, यानी कि ये बचेगा 45। हम 45 के बारे में सोचेंगे, और 6 से 45 नहीं कटता है तो हम पहले सोच लेंगे 42 लीटर के बारे में। 45 से छोटा जो कटने वाला है, 6 सतें 42 और 7 चौक 28, यानी कि 42 लीटर 28 घंटा में भरा रहा होगा। अभी भी हमको 8 लीटर भरना है, और देख रहे हैं कि अब भरने वाला शुरू हो जाएगा, यानी कि ए भरेगा, 8 लीटर भरना है और ए भरेगा। देखें कि 6 लीटर 4 घंटा में, यानी 42 लीटर 28 घंटा में, हमारा 42 लीटर भर गया। अब हमें भरना है 8 लीटर, 8 लीटर में पहले ए शुरू करेगा और ए एक घंटा में 5 लीटर भरेगा, यानी कि 5 लीटर भरकर ए एक घंटा पहले ले लेगा। अब बचा 42, 5, 47, यानी 3 लीटर और बचा हुआ है, और 3 लीटर ये भरने में ए फिर से यही रहेगा, क्योंकि 2 घंटे तक ये भरता है, और 3 लीटर भरने में ए 3/5 समय लेगा, यानी कि टोटल समय हो जाएगा 28 और 29, 29.3/5 घंटा, यही आंसर होगा। प्रश्न संख्या 14 देखिए, ए बी सी मिलकर किसी काम को 16 दिन में पूरा करता है तथा बी सी डी मिलकर उसी काम को 12 दिन में पूरा करता है, तो ए तथा डी के द्वारा उस काम को करने में लिए गए समय का अंतर ज्ञात करें। यहाँ पर ए बी सी का समय दिया है 16 दिन और बी सी डी का समय दिया है 12 दिन। एलसीएम दरअसल ये क्वेश्चन थोड़ा सा गलत था, इसमें होना क्या चाहिए था, जैसे देखिए आप बताते हैं कहाँ गलत है। 16 और 12 का एलसीएम आया 48, ये 3 काम के हिसाब से प्रतिदिन कर रहा है, ये 4 काम के हिसाब से प्रतिदिन कर रहा है। यहाँ पर कह रहा है कि ए तथा डी के द्वारा उस काम को करने में लिए गए समय का अंतर ज्ञात करें। अगर हम लोग ए तथा डी का अंतर निकल सकता है, यहाँ से हम दिख जाता है एक बार में कि बी सी है, यहाँ पर बी सी है, अगर घटाएंगे तो ए और यानी कि डी और ए का अंतर आ जाएगा 4-3, 1। हम लोग ऐसे लिख सकते थे कि ए डी और ए का क्षमता का अंतर 1 है, लेकिन जो क्षमता का अंतर है उससे हम समय फाइंड नहीं कर सकते। कारण उसका यह है कि अगर 1 से हम भागा देते हैं, यानी कि एक हिसाब दोनों का कामों का अंतर प्रतिदिन 1 है और 48 पूरा काम है, तो 1 के हिसाब से 48 दिन लगता है, ऐसा आपको लग रहा होगा, लेकिन ये नहीं होना चाहिए ऐसा, यही सोचकर क्वेश्चन भी प्रिंट किया गया है ये, लेकिन ऐसा नहीं है, यहाँ पर 48 दिन आंसर नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि अगर मान लीजिए ऐसा रहता कि ए किसी काम को 20 दिन में करता है और बी उसी काम को 30 दिन में करता है, एलसीएम लेते यहाँ पर तो हो जाता 60, 20 साठ और 30 दुना 60,
यहाँ पर ए तथा बी के क्षमता का अंतर अगर बोलता कि ए के तथा बी के द्वारा किए गए का द्वारा लिए गए समयों के अंतर बताइए, तो यहाँ पर हम क्षमता से समय का अंतर नहीं निकाल सकते हैं, क्योंकि 3-2 बराबर कितना हुआ, 1। यानी कि एक के हिसाब से 60 काम को करवाएंगे अगर, तो ये 60 दिन जो आ रहा है ये वास्तविक में गलत है और गलत होगा ही, क्योंकि यहाँ पर दिख रहा है हमको ये 20 दिन में करता था, ये 30 दिन में करता है। यानी कि दोनों के द्वारा एक काम को करने में लिए गए समयों का अंतर 30-20 यानी कितना 10 होना चाहिए, जबकि यहाँ आ रहा है कितना 60। ये क्वेश्चन त्रुटिपूर्ण था। क्वेश्चन नंबर 15। एक ठेकेदार ने किसी भवन को 100 दिनों में बनाने का ठेका लिया, जिसे 50 मजदूर बना सकते हैं। कोई भवन है उसको 50 मजदूर 100 दिन में बना सकते हैं, डिफिनेट हो गया कि 100 आदमी 100 दिनों में 50 मजदूर बना देंगे भवन को। कार्य पूरा होने के 20 दिन बाद 10 मजदूर काम छोड़कर चले गए, यानी कि 20 आदमी 20 दिन तक वो शुरुआत 50 मजदूर काम किए, फिर 10 मजदूर छोड़ दिए, 40 मजदूर अभी भी काम कर रहे होंगे, छोड़कर चले गए, तथा बारिश के कारण हुए काम का 60% भाग खराब हो गया। जो काम पहले हो चुका था उसका 60% भाग खराब ही हो गया। अब भवन तो भवन निर्माण करने में अब पहले से कितने दिन अधिक समय लगेगा, पहले लग रहा था 50 मजदूर को 100 दिन, ये काम था 50 मजदूर को 50 मैन को 100 दिनों का काम था। ये 20 दिन तक काम चला शुरुआत में, यानी 50 मजदूर पहले 20 दिन तक काम किए, लेकिन ये जो 20 दिन तक काम किए उसका दिया हुआ है कि 60% खराब हो गया काम, यानी कि 60% का मतलब हो गया, 60% का मतलब हो गया 3/5, 60/100 यानी कि 3/5, 60% का मतलब 3/5 भाग खराब हो गया, यानी कि इसका ये जो काम था उसका 2/5 भाग ही काम हो पाया, बाकी काम करना था। तो बोलता है कि काम खराब हो गया, तो भवन निर्माण करने में अब पहले से कितने दिन अधिक समय लगा, यानी कि हम मान लेते हैं कि अब 40 लोग बचे थे, चूँकि 10 लोग छोड़ दिए, जैसे ही 20 दिन बाद 10 लोग छोड़े हैं, 40 लोग और बच रहे हैं, मान लेते हैं कि इसको एक दिन लगा होगा, यानी टोटल इतना समय लगा, जितना ये एक से हम 40 मजदूरों को देखेंगे कि और आगे एक दिन लगा होगा, इसको कैलकुलेट कर लेंगे, पंचम का 20, 4 × 2 = 8, 8 × 5 = 40, यानी 400, और यहाँ पर आपका 5000 हो रहा है, प्लस 40x, ये यानी कि 5000 मजदूर, सॉरी 5000 काम इधर है, 400 ये आया, 40x आ गया, इसको घटाएंगे इसमें से 4600 मिलेगा, 40x = 4600, यानी कि x = कट जाएगा ये 115 बार में। यहाँ से दिख रहा होगा कि ये x का वैल्यू आया 15 दिन, यानी कि 100 से 15 दिन अधिक इधर आया, लेकिन देखिए 20 दिन पहले भी काम हुआ है और ये 15 दिन यहाँ पर अधिक दिख रहा है, यहाँ पे यानी कि यहाँ पर 115 दिन हुआ, 115 दिन यहाँ पर काम हुआ है, अर्थात 100 दिन 115 दिन ये हुआ और 20 दिन ये, 135 दिन काम हुआ टोटल, और 135 दिन में देख रहे हैं कि 100 दिन पहले लगता था, यानी कि अब 135 दिन लग रहा है, अर्थात 35 दिन ज़्यादा लग रहा है। यही क्वेश्चन का ऑप्शन नहीं था, इसको क्वेश्चन को कैंसिल किया गया था, इसका आंसर होगा 35 दिन, क्योंकि 15 दिन अधिक तो यहाँ पर ये लग रहा है और 20 दिन पहले वाला, 35 दिन पहले से अधिक समय लगेगा, इसका आंसर है 35 दिन। हाँ, ये क्वेश्चन नंबर 16 है। 3 महिलाएं और 4 बच्चे किसी काम को आधा भाग 36 दिन में करते हैं। यार सीधा लिखेंगे इसको कि 3 औरतें 4 बच्चे आधा भाग को 36 दिन में, यानी पूरा भाग को 72 दिन में। पहले तो क्वेश्चन पूरा पढ़ लेते हैं, किसी भी क्वेश्चन को पूरा पढ़ेंगे तो उसे ये पता लग पाएगा कि आखिर क्वेश्चन में कुछ करना भी है कि ऐसे ही है, जैसे ये क्वेश्चन बिल्कुल ऐसे ही था। कहता है कि तीन महिला और चार बच्चा किसी काम को के आधा भाग को 36 दिन में, यानी पूरा भाग को 72 दिन में, तो 5 महिलाएं और 6 बच्चे पूरे काम को करने में, 5 औरत है ये, तथा 6 बच्चे किसी काम को करने में कितना दिन। अब यहाँ पर देखिए ये इसका कुछ भाग हो रहा है, जैसे मान लो यहाँ पर ये कितना भाग औरतें हुए, 5/3 भाग औरतें बड़े हैं यहाँ पे,
तो ये भी 5/3 भाग होना चाहिए, यानी कि 4 का 5/3 करते तो ये मिलना चाहिए था हमको, यानी कि इसमें दोनों में कोई ये आ नहीं पा रहा है, इसीलिए ये क्वेश्चन नहीं बन पाएगा। अगर ऑप्शन में आंकड़े अधूरे हैं तो आंसर आंकड़े अधूरे होगा, इसका ये क्वेश्चन का आंसर आंकड़े अधूरे होगा। यहाँ पर ऐसा होना चाहिए था कि जो इससे 4 × 5/3 करने पर रिजल्ट आया, यानी 5/5/3 यह होना चाहिए था, जो कि नहीं है। इसका मतलब ये क्वेश्चन ऐसे ही दिया था, आंकड़े अधूरे था ये क्वेश्चन। 17 क्वेश्चन नंबर है, 2 नल A तथा B किसी टंकी को 20 तथा 25 मिनट में भर देते हैं, जबकि टंकी को खाली करने के लिए एक तीसरा नल लगा है, तीसरे नल का प्रयोग किया जाता है, तथा ए तथा बी 4.2 मिनट तक खोलने के बाद तीसरा नल को खोल दिया जाता है, और तीसरा नल को खोल देने के 2.8 मिनट बाद टंकी खाली हो जाता है। मतलब कि जो 4.2 मिनट में ये पहले चला और 2.8 मिनट बाद में चला इसके साथ, यानी कि 4.2 और 2.8 7 मिनट तक चला ए बी जो चलकर भरा, उसको तीसरा नल 2.8 मिनट में ही खाली कर देता है, ये बात है। अब आइए देखें इसको, पहले लिख लेते हैं ए और बी 20 मिनट तथा बी 25 मिनट में। हम मान लेते हैं टंकी की क्षमता टोटल 100 लीटर आता होगा टंकी में, मान लें प्रति मिनट ये 5 लीटर और प्रति मिनट ये 4 लीटर भर रहा होगा। अब ध्यान देना है 5, 4, 9 के हिसाब से। अभी हम लोग फिर से देखते हैं, ए और बी 4.2 मिनट तक खोला गया, उसके बाद खोल दिया गया तीसरा नल, और तीसरा नल खोल देने के 2.8 मिनट बाद तक टंकी खाली हो गया, यानी कि ए बी को बंद नहीं किया गया, अर्थात 4.2 मिनट पहले चला और 2.8 मिनट बाद में चला, यानी 7 मिनट तक ए बी चला, और जो 7 मिनट तक ए बी भरा है उसको तीसरा नल है सो 2.8 मिनट में खाली किया। 7 मिनट तक ये भरेगा कितना, तो 5, 4, 9, 9 × 7 63, यानी 63 लीटर भराया होगा, उसको खाली कर दिया तीसरा नल 2.8 मिनट में। तो तीसरा नल 2.8 मिनट में, यानी प्रति मिनट तीसरा नल खाली कर रहा होगा। इसको देख लेते हैं, यहाँ पर प्रति मिनट वाला लिख देंगे कि तीसरा नल कितना खाली करने वाला नल खाली कर रहा, 1.5 मिनट रहेगा, ऊपर में जाएगा 100, 10, 9 × 63 और 7, 63 × 28, 2 × 4, 5 × 10, यानी कि 45/2 लीटर प्रति मिनट खाली कर रहा होगा सी। उसी हिसाब से बोलता है कि पूरा टंकी को, पूरा भरी टंकी को खाली करना, यानी 100 लीटर को इसी हिसाब से प्रति मिनट के हिसाब से खाली करने में समय लेगा इतना, और ये हो जाएगा 20 × 25 100, 9 × 5 = 45, 20 × 40/9, कैलकुलेशन कर लेंगे आप, 9 × 36 4/9 मिनट ये लगता होगा इसको अकेले जब खाली करता होगा तब। प्रश्न संख्या 18, 10 पुरुष या 15 महिलाएं या 20 बच्चे प्रतिदिन 9 घंटा करके किसी काम को 60 दिन में करते हैं। तो 10 आदमी, 15 महिलाएं और 20 लड़के मिलकर प्रतिदिन 10 घंटे आराम करते हुए कितने दिन में पूरा करेंगे। यह है यानी कि सबका क्षमता बराबर, ये सेम काम को कर रहे हैं, यानी जो 10 पुरुष कर पाएंगे वही 15 महिलाएं कर पाती हैं, वही 20 बच्चे कर पाते हैं। यहाँ से क्षमता निकल जाएगा मैन, वुमेन और बच्चा का, सॉरी काटेंगे इसको, 5 × 10 = 15, 5 × 15 = 20, इस ये साथ में है एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम आ गया इसका 4, 3, 2 = 12। आप यहाँ से क्षमता निकाल लें, यानी कि 2 × 2 = 12, प्रतिदिन 6 काम करते होंगे। हमेशा ध्यान रखना है कि जो साथ में है वो संख्या है या फिर समय है, यानी कि 2 समय में ये जो काम कर रहा था 12 काम कर रहा था, यानी प्रतिदिन की प्रति समय में कितना 6 काम करेगा, ये इसको संख्या मानना है। हमेशा जो साथ में होता है वो संख्या होता है या समय होता है। 6, 3 × 12 ये 4, 4 × 12 ये 3, यानी कि इनकी इफिशियंसी होगा 6:4:3। अब कह रहा है कि 10 पुरुष कोई इसमें से तीनों में से कोई एक को ले लेंगे, हम ले लेते हैं 10 पुरुष को, यानी कि 10 पुरुष किसी काम को करते हैं, ये जो कर रहे थे 60 दिन में, 10 पुरुष जो काम 60 दिन में करते हैं उसी काम को करवाना है 10 आदमी 15 महिलाएं और 20 लड़कों से। लेकिन ध्यान देना है
लड़के मिलकर प्रतिदिन 10 घंटे आराम करते हुए कितने दिन में पूरा करेंगे? यहाँ पर 9 घंटा काम कर रहा था, सॉरी, यहाँ पर ये देखेंगे, ये क्वेश्चन कह रहा है कि 10 पुरुष 9 घंटे काम करके किसी काम को 60 दिन में करते हैं, यानी कि 10 पुरुष 9 घंटे काम करके किसी काम को 60 दिन में करते हैं। अब यहाँ कह रहा है, देखिएगा, 20 लड़के मिलकर प्रतिदिन 10 घंटे आराम करते हुए कितने दिन में करेंगे, यानी कि ये 10 घंटे आराम कर रहे होंगे, 10 घंटा आराम तो ध्यान देना है, 10 घंटा आराम तो ध्यान देना है कि 14 घंटा काम कर रहे होंगे, यानी 14 घंटा प्रतिदिन काम करके कितने दिन में करेंगे, तो एक दिन में करेंगे। यहाँ से पुट करके कैलकुलेट कर लेंगे, मैन का आपका क्षमता है 6, जहाँ मैन है 6 रखेंगे, जहाँ वुमेन है 4 रखेंगे, जहाँ बच्चा है 3 रखेंगे, और इस तरह से आएगा। इसको कैलकुलेट करेंगे तो 60 गुना 9 गुना 60 आएगा, और इधर 10 छक 60, 15 चौक 60, 20 तिया 60, यानी 18 180 आएगा, गुने 14 गुने एक्स आएगा। कैलकुलेट करेंगे तो एक्स का वैल्यू देखिए कर लेते हैं, 18 तीन बार में कटेगा, ये 20 तिया 60 20, 14 7 गुना 14 10 गुना 20, ये 90/7 आता है, 14 98 और 2/7 यही आंसर होगा। ये क्वेश्चन नंबर 19, ये सवाल प्रीवियस है, कभी कभी भी प्रीवियस में देता है, तो कभी कभार आप देख लेंगे कि ऑप्शन भी बदलता नहीं है कभी कभार, ये वही क्वेश्चन था। दरअसल ये सब क्वेश्चन दिया जाता है ताकि आप जो पहले समय लॉस किए हैं उसको मेंटेन कर सकें, इतना प्रैक्टिस होना चाहिए कि ये ध्यान रहना चाहिए। ऐसे क्वेश्चन बहुत अच्छा है, 10 व्यक्ति किसी काम को करना प्रारंभ करते हैं, परंतु कुछ दिन बाद 4 व्यक्ति काम छोड़कर चले जाते हैं, इसके परिणाम स्वरूप 40 दिन में समाप्त होना था वह 50 दिन में समाप्त हुआ। मतलब कि 4 व्यक्ति काम छोड़कर कुछ दिन बाद गए हैं, जिसके कारण जो काम पहले से निर्धारित किया गया था 40 दिन में, वो 50 दिन हुआ, यानी कि शुरू में 10 व्यक्ति 40 दिन में कर देते, लेकिन 4 व्यक्ति कुछ दिन बाद काम छोड़कर चले गए। इसका मतलब ये हुआ कि 40 दिन में काम समाप्त होना था, कुछ दिन बाद 4 व्यक्ति काम छोड़कर चले गए हैं। आगे पूछता भी है कि तो बताइए कि ज्ञात कीजिए कि कार्य प्रारंभ होने के कितने दिन बाद 4 व्यक्ति काम छोड़े। हम मान लेते हैं कि एक्स दिन बाद काम छोड़ दिया था 4 व्यक्ति, एक्स दिन बाद, यानी कि जब एक्स दिन तक किया होगा तो अभी 40 - एक्स दिन का काम शेष बचा होगा, क्योंकि काम तो 40 दिन में होना था ना, जितना व्यक्ति थे वो 40 दिन में करते, यानी 40 - एक्स दिन का काम अभी शेष बचा हुआ था, जो करते 10 व्यक्ति, जो 10 व्यक्ति करते इस काम को करने, आगे में जब 10 व्यक्ति करते लेकिन 4 व्यक्ति काम छोड़ दिए, यानी कि अब 6 आदमी काम कर रहे थे, और 6 आदमी के कारण जो काम 40 दिन में समाप्त होना था वह 50 दिन में हुआ। अच्छा, उस 50 दिन में भी एक दिन पहले हो चुका है, सॉरी, 50 दिन में भी एक आदमी एक दिन काम पहले हुआ है, यानी कि 50 - एक्स दिन का काम 6 व्यक्ति किए हैं, 50 - एक्स दिन में 6 व्यक्ति काम किए हैं, अर्थात कटेगा 3 × 6, 5 × 10, 5×20, 200 - 5x बराबर 150 - 3x, यह आएगा 2x बराबर 50, x बराबर 25। यहाँ पर समझना ये था कि जो 50 दिन समय लग रहा है वो x दिन होने के बाद हो चुका है, तब जाकर कुल मिलाकर 50 दिन लगा, जो 40 दिन में होना था पहले, यानी कि इधर 40 - एक्स दिन का बचा हुआ था और इधर 50 - एक्स दिन लगा दिए 6 आदमी, चूँकि 4 आदमी चले गए, ये 25 आंसर होगा इसका। ये लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20। ए बी सी मिलकर किसी काम को अकेले ए से 14 दिन में दिन कम, बी से 24 दिन कम और सी आधे समय में पूरा करता है। बहुत ये क्वेश्चन पहले भी था कम वाला, क्वेश्चन नंबर आप देखेंगे पहले, ए बी सी मिलकर जितने दिन में करता है, ए उससे 14 दिन कम में, ए से 14 दिन कम में करता है ए बी सी, यानी कि जितना दिन ए बी सी लेता था वो 14 दिन कम था ए के द्वारा लिए गए समय से, अर्थात अगर ये एक्स दिन लेता था तो ये 14 दिन अधिक लेता होगा, यानी कि एक्स प्लस 14 दिन ये समय लेता होगा, और जो बी था
सो बी 24 दिन कम लेता है, बी से 24 दिन कम लेता है एबीसी, यानी कि इससे 24 दिन अधिक लेता होगा बी, एक्स प्लस 24। और सी कहता है कि जितना ये समय लेता है उससे आधे समय में पूरा करते हैं, यानी कि सी से आधा समय में एबीसी पूरा कर रहा था, यानी कि इससे दुगना समय लेता होगा सी। यहाँ पर देखेंगे तो एबीसी और सी का क्षमता देखिएगा तो इस समय देखिएगा तो इससे सीधा दुगना ले रहा है, यानी कि एबीसी का और सी के इफिशियंसी का अनुपात, चूँकि समय दुगना ले रहा है इसीलिए इसका क्षमता एबीसी के क्षमता से आधा होगा। समय यहाँ एक्स ले रहा है, यहाँ समय 2x ले रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि एबीसी जो समय ले रहा है उससे ये दुगना समय ले रहा है, अर्थात दुगना इसलिए ले रहा होगा क्योंकि इससे सी की क्षमता आधा होगा इन दोनों से, तो दुगना समय लेगा, तो 2:1 हो गया इसका क्षमता का अनुपात। इसका मतलब ये हुआ कि AB यानी कि ये सी एक काम करता है, ABC मिलकर दो काम करता है, यानी कि AB करता हुआ एक काम, यानी सी और AB का क्षमता आपस में बराबर है, जितना क्षमता सी का अकेले है उतना क्षमता AB का है, अर्थात सी जितना दिन समय लेता होगा उतना ही दिन समय AB लेता होगा। अब देखिए सी समय लेता है 2x और AB समय लेता है इतना, ये दोनों मिलकर करता तो जितना समय लेता, क्योंकि क्षमता बराबर है तो जितना समय AB को लगता दोनों मिलकर करने में उतना ही क्षमता सी को, उतना ही समय सी को करने में लग रहा होगा, यानी कि AB का क्षमता सी से बराबर है तो जितना समय ये दोनों को मिलकर करने में लग रहा होगा उतना समय सी अकेले लेता होगा, अर्थात ये 2x इसका समय है, सो इन दोनों को मिलकर करने में लिए गए समय के बराबर है। आप जानते हैं कि दो व्यक्ति अगर मिलकर काम करेंगे तो ये लिखते हैं फॉर्मूला A×B/A+B, ये दोनों मिलकर कर रहे होंगे तब, यानी कि इन दोनों का काम मिलकर जो समय लगेगा वो लगेगा x+14 × x+24। ये क्वेश्चन CGL मेंस का है, आप देखेंगे 2014 में पूछा हुआ है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में देख लेंगे आप, और यहाँ पर जोड़ेंगे इसको तो ये 2x+38 है, ये उसमें बड़ा जटिल दिया था, यहाँ पर हम लोग डिजिट जो ऑप्शन में क्वेश्चन में ऑप्शन में दिया हुआ था बड़ा नॉर्मल ऑप्शन दिया था, आप डायरेक्ट यहाँ पर ऑप्शन पुट करेंगे, कभी भी सॉल्व करने का इसको प्रयास नहीं करेंगे क्योंकि ये क्वाड्रेटिक चला जाएगा। अब देखिए ऑप्शन में भी पुट करते वक्त ध्यान देना है, ये 2x समय सी का है और यानी कि जितना समय सी ले रहा था उतना ही समय ए और बी ले रहा था, यानी कि जो आंसर आने वाला है AB के समय ले रहा है वो आने वाला है, यानी कि हम ये दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि जो AB का समय आ रहा है वही सी का अकेले का समय है, हम ये कह सकते हैं कि जितना सी ले रहा है समय उतना ही AB समय ले रहा है, यानी 2x हमको निकालना है। ऑप्शन में जो दिया हुआ है वो है ऑप्शन में ए 6 है, बी 12 है और इसी तरह से सी आगे ऑप्शन दिया हुआ है, आपको ऑप्शन पुट करना है, लेकिन ऑप्शन पुट करने में भी एक ध्यान देना है, जो आंसर जो होगा वो 2x का वैल्यू दिया हुआ है, हमको यहाँ पर 2x का वैल्यू दिया है। अगर मान लो कि हम ये छः पुट करते हैं अगर सेटिस्फाई होता है तो आंसर दुगना बताना होगा, यानी कि मान लीजिए कि 6 पुट कर रहे हैं इसके जगह पर, ऑप्शन से जाना था इसका कोई उपाय वैसा था नहीं, 14 और 6 20 × 24 और 6 30 × 6 × 12 और 38 50 = 6 × 12 = 12। अगर ये सेटिस्फाई होता है तो आंसर 12 होगा ना कि 6 पुट करने से सेटिस्फाई होता है तो आंसर उसका दुगना होगा, 2x समय बीच AB को लग रहा है क्योंकि सी को 2x समय ले रहा है। थोड़ा ध्यान देंगे, ये क्वेश्चन बढ़िया है, पंचों का 20 + 12 यानी कि 6 सेटिस्फाई हो रहा है, आंसर इसका होगा 6 नहीं, x का वैल्यू अगर 6 सेटिस्फाई हो रहा है तो AB कितना देर में करता था, तो जितना देर में सी करता था, और सी कितना देर में करता था तो 2x समय, इसलिए आंसर इसका होगा 2×6 यानी कि 12 दिन।